जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमारा लेक्चर होगा वो एवरीडे साइंस के हवाले से होगा। एडीपी का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एवरीडे साइंस की बुक रीड करवाई जाती है बेटा आईयूबी के सिलेबस में। एवरीडे साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है नेचर ऑफ साइंस के बारे में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा एवरीडे साइंस के हवाले से और हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस के बारे में, इसका टॉपिक नंबर वन है एवरीडे साइंस का। बेटा आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कुछ इंडेक्सेस राइट किए गए हैं बेटा, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, साइंस को हम स्टडी करेंगे, साइंस की क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, इसकी कुछ डिफरेंट ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, उनके बारे में हम आज रीड करेंगे। उसके बाद है मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, के जो फंडामेंटल साइंसेस के मेन पॉइंट्स हैं, मेन थिंग्स हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। और लास्ट पे हमारा जो कंसर्न होगा वो रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी के हवाले से होगा बेटा। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। ये एवरीडे साइंस बेटा एडीपी के अंदर पढ़ाई जाती है, आईयूबी का ये सिलेबस है बेटा, इस्लामी यूनिवर्सिटी बाबलपुर का। जी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेटा डेफिनेशन आ रही है हमारे पास साइंस की। तो साइंस क्या है बेटा? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है, उसको हम नाम देते हैं साइंस का। साइंस के अंदर हम उन चीज़ों को डील करते हैं बेटा जो सबसे पहले जिनको ऑब्जर्व किया जाता है और बाद में उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसको प्रूव किया जाता है। तो साइंस के अंदर हमने सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसका एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसके बाद उसको हम साइंस में ऐड कर देते हैं। इट वाज आल्सो कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी, इसको नेचुरल फिलॉसफी भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा सबसे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। शुरू शुरू में जब ये कायनात बनी तो साइंस जो थी वो वजूद में नहीं आई थी। जो भी चीज़ें स्टडी की जाती थी, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती थी, उनको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दे दिया जाता था। उसके बाद फिर साइंस को ड्राइव किया गया, फिर साइंस के आगे कैटेगराइज किया गया साइंस को दो हिस्सों में, जिसमें फिजिकल साइंसेज हैं और बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, उनको भी हम नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज साइंस? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा साइंस की, साइंस कैन बी डिफाइंड एज स्टडी मेनली कंसर्न विद द फिनोमिना ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एनी और ऑल ऑफ नेचुरल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। साइंस जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो फिजिकल यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर जो फिजिकली चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और ऑल ऑफ नेचुरल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज, या फिर साइंस आर द फील्ड ऑफ स्टडी विच अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूनिवर्स इन होल और पार्ट। यानी कि साइंस के अंदर हमने स्टडी करना है किस चीज़ को? नेचर को, नेचर ऑफ द यूनिवर्स को, इन होल मुकम्मल तौर पर, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को हम स्टडी करते होते हैं। तो ये साइंस की डिफाइन है, जो आपको ईजी लगे बेटा आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। साइंस को क्लासीफाई किया गया क्योंकि साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी था, तो हर पर्सन के लिए इसको स्टडी करना जो था वो पॉसिबल नहीं था, तो फिर इसकी कैटेगराइज कर दी गई। ठीक है, इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, बायोलॉजिकल साइंस में और फिजिकल साइंस में। बेटा जो बायोलॉजिकल साइंस थी, ये साइंस की वो ब्रांच थी जिसके अंदर हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना था। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को बेटा स्टडी किया जाएगा जो लिविंग थिंग्स के साथ कंसर्न करते हैं। सेकेंड पे आ रहा है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर बेटा हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, लाइक फिजिक्स के अंदर जैसे हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या यूनिवर्स को हम स्टडी करते हैं, तो गैलेक्सी को हम स्टडी करते हैं। मींस के जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो हमारे पास फिजिकल साइंस में आएंगी, और जो लिविंग थिंग्स होंगी बेटा वो हमारे पास आएंगी बायोलॉजिकल साइंस में, क्योंकि बायो के अंदर जो है वो हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, लाइक प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी किया जाता है, तो वो बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएगा। और जिन चीज़ों में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे वो हमारे पास फिजिकल साइंस में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है फिजिक्स की डिफाइन है बेटा। फिजिक्स क्या है? द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। फिजिक्स के अंदर बेटा हमने मैटर को स्टडी करना है, मादा जिसको हम कहते हैं, एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, एनर्जी भी आपको पता है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि किसी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है वो एनर्जी होती है। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर को स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम एनर्जी को स्टडी करेंगे,
और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसको भी हम स्टडी करेंगे, किस चीज में, फिजिक्स में बेटा। इन अदर वर्ड्स फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव। फिजिक्स हमें ये भी बताती है कि जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो कैसे बिहेव करते हैं। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये एक तजर्बाती साइंस है क्योंकि इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिक्स जो है ये एक्चुअली फिजिकल साइंस का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को बेटा स्टडी करना होता है और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फिजिकल साइंस का हिस्सा है, तो इसलिए जो फिजिक्स है एक्चुअली ये हमारे पास फिजिकल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट इसकी कुछ ब्रांचेज हैं जिसमें सबसे पहली बेटा ब्रांच आ रही है न्यूक्लियर फिजिक्स, नंबर टू पे आ रही है पार्टिकल फिजिक्स, नंबर थ्री पे आ रही है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड नंबर फोर पे आ रही है बेटा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहली जो ब्रांच आ रही है वो आ रही है न्यूक्लियर फिजिक्स की बेटा। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बेटा हमने एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करना होता है और न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अदर पार्टिकल्स हैं, हाइप्रोन्स हैं, मीजोन्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद है बेटा पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हमने स्टडी करना होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। मीन्स के पार्टिकल फिजिक्स में हमने उन पार्टिकल्स को स्टडी करना होता है जिन पार्टिकल से मिलकर वो मैटर बना होता है। ठीक है बेटा, मीन्स के जो मैटर जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बना होगा उन तमाम पार्टिकल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो एक्चुअली हम स्टडी कर रहे होंगे पार्टिकल फिजिक्स को। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रही है बेटा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटीज नियर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी बेटा फिजिक्स की ब्रांच है। इसके अंदर हमने उन चीजों को, उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना होता है जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो रफ्तार है बेटा वो लाइट की है। 3×10^8 मीटर का डिस्टेंस एक सेकेंड में ये कवर करती है जो लाइट है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर हमने उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना होता है जिन ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। लास्ट ब्रांच है इसकी सॉलिड, वैसे तो इसकी बेटा बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हमने मेनली इसकी फोर ब्रांचेस को यहां पर डिस्कस किया। सॉलिड स्टेट फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, किस चीज की, सॉलिड की, यानी कि सॉलिड पार्टिकल की स्ट्रक्चर कैसी होगी और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इस चीज को हम स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। इसकी शॉर्ट फॉर्म बेटा SSP है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो अगर कहीं पे SSP राइट किया हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। नेक्स्ट बेटा मेन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के, हमारे पास मेन तीन फ्रंटियर्स हैं बेटा। सबसे पहले द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, हमारे पास जो वर्ल्ड है उसमें जो सबसे बड़ी चीज है एक्सट्रीमली लार्ज जो है वो हमारे पास यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं बेटा, गैलेक्सीज हो गई और इसके अलावा बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है बेटा वो यूनिवर्स है। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, और सबसे छोटी जो चीज है यहाँ पे वो हमारे पास पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल कौन से, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं बेटा, हाइप्रोन्स हैं, मीजोन्स हैं, पायोन्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल है जो कि इस वर्ल्ड का हिस्सा है। और थर्ड पे जो है वो मिडिल साइज की चीजें बेटा जिसमें मॉलिक्यूल आ जाता है, कॉम्प्लेक्स मैटर भी इसको कहा जाता है बेटा। तो हमारे पास मेन पे तीन चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज जिसको हमने एक्सट्रीमली लार्ज का नाम दिया बेटा वो हमारे पास है यूनिवर्स। उसके बाद जो एक्सट्रीमली स्मॉल है बेटा उसमें हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो मिडल में चीजें आ रही हैं बेटा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैटर है लाइक मॉलिक्यूल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा इसका, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, लास्ट हेडिंग है रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले करती है। इसके 6 पॉइंट्स हैं या 7 पॉइंट्स होंगे बेटा, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फिजिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा टेक्नोलॉजी की फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में। इंजीनियरिंग की फील्ड में बेटा ये आप एरोप्लेन्स देख सकते हैं, इसके अलावा बाइक्स के इंजन हो गए, ये तमाम चीजें जो है ये फिजिक्स की बेटा बदौलत है। सी बेटा सेकंड पॉइंट है हमारे पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ वाइटल फोर्स
फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसानियत की जो लुक है वो चेंज कर दिया बेटा। नंबर थ्री पे आ रहा है, द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। इंफॉर्मेशन मीडिया ने बेटा और फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मीडिया कौन सा है हमारे पास, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के लिए चीजें यूज होती है वो भी यही है बेटा। तो इन तमाम चीजों ने जो है वो दुनिया को एक दूसरे के क्लोज कर दिया है, लोग एक दूसरे के साथ रबते में है, विद इन सेकेंड आप एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं बेटा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुंचानी होती थी तो मीलों का फासला तय करके पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अब साइंस की बदौलत, इंफॉर्मेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया की बदौलत आप एक क्लिक के साथ पूरी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी पर्सन के साथ जो है वो अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर है बेटा, इवेंट्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली रिवर्बरेट अराउंड द ग्लोब, और दुनिया के एक कोने में जो इवेंट हो रहा था उसको आप पूरी दुनिया में बैठ के किसी भी जगह पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल है बेटा पीएसएल मैचेस आप देखते हैं दुबई में, शारजा में हो रहे होते हैं और उसको आप बैठे पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे होते हैं, और विदाउट लैब्स, इसमें किसी किस्म की कोई लैब्स नहीं आती, किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं आता टाइम का, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आप देख रहे होते हैं जैसा वहां परफॉर्म हो रहा था। पॉइंट नंबर फाइव पर, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में रह रहे हैं बेटा। सिक्स पॉइंट है, द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट ऑफ चिप्स डिवेलप फ्रॉम बेसिक आइडिया ऑफ फिजिक्स। कंप्यूटर के जो नेटवर्क है बेटा ये चिप से बनाए गए हैं और चिप का जो बेसिक आइडिया था ये हमें फिजिक्स ने दिया है। द चिप आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, चिप जो है वो सिलिकॉन से मिलकर बनती है, और सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड, और सिलिकॉन जो है वो हम सैंड से हासिल करते हैं, रेत से हासिल करते हैं। सिलिकॉन जो है इसमें 98% सैंड होता है बेटा और 2% अदर पार्टिकल्स होते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया है, इसमें हमने फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह हम तमाम लेक्चर इसके वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी ADP के फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर हैं बेटा इंशाल्लाह आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इस YouTube चैनल का नेम बेटा अवेस फिजिक्स के नेम से है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी आ रहा था बेटा, अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं WhatsApp पे, ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक की कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स मैथ्स के लेक्चर, एवरीडे साइंस के लेक्चर बेटा, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस जो कि नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाएगी उसके भी लेक्चर इंशाल्लाह आपको इस YouTube चैनल अवेस फिजिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के तमाम गेस्ट पेपर्स भी बेटा मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे ताकि जब न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।